सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में यदि आप भी 25 में से 25 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो आपको विशेष रूप से तीन बातों को ध्यान में रखना है और अपने माइंड में सेट करनी है। नंबर एक, यदि TCS कंपनी इस बार अपना एग्जाम पैटर्न बदलती है उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2020 में जो आपके पेपर हुए थे लगभग 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, यही चैप्टरों में से 2017 वाले सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उन चैप्टरों को कवर करना है। चैप्टर कौन कौन से आपके, सबसे पहले फिगर काउंटिंग, नंबर दो बल्ड रिलेशन, नंबर तीन आपका डायरेक्शन, नंबर चार आपका कोडिंग डिकोडिंग, नंबर पांच आपका सिटिंग अरेंजमेंट, इनसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। नंबर दो, किस बात का ध्यान रखना है आपको बच्चों, रीजनिंग में है ना ऑप्शन काटने सीखने हैं, ऑप्शन काटने सीखने हैं। जिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है ना कि सभी पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, आंसर के आने के बाद 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा यदि आपने ऑप्शन काटने सीख लिए। क्योंकि रीजनिंग के आंसर है ना बच्चों चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हाँ राइट आंसर मैं हूं, सिर्फ आपको देखना आना चाहिए, कम समय में डायरेक्ट टिक लगाना है अंकों अंकों में देखकर। नंबर तीन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत आपके 38 शिफ्ट में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, ये टोटल 38 शिफ्ट में आपकी सोल्व करा चुका हूं ट्रिकी अप्रोच के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने सभी क्लास कवर की है उनकी रीजनिंग की प्रैक्टिस जबरदस्त हो चुकी होगी और उनका टाइमिंग बहुत कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो रहे होंगे और बिल्कुल राइट हो रहे होंगे। इन तीनों बातों को माइंड में सेट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट नंबर थर्ड, 6/12/2017 शिफ्ट फर्स्ट के अंतर्गत पूछे गए 35 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे ट्रिकी अप्रोच के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कह रहा है जी, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, चश्मा, देखना, पेंसिल। जैसे चश्मे का संबंध किससे बच्चों, चश्मे का प्रयोग आंखों पर लगाकर ना देखने के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पेंसिल है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, पेंसिल का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। लिखना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको जो ABCD है ना उनकी डिजिट डायरेक्ट मौखिक याद होनी चाहिए। देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। अक्षर में क्या है, एफ, एफ से क्या हो बच्चों, एम, एफ में कितने बड़े आप, एफ में कितने बड़े आपके 7+7 हुए, फिर आपका आर, आर से वाई हुआ, फिर 7 ऐड हुए, फिर ओ, ओ से वी हुआ, +7 हुए, एम से टी हुआ, +7 हुए, इसका मतलब +7+7 करते जा रहे हैं। अब देखते हैं इसमें भी आप +7 करके लिख देना, वही आपका राइट आंसर। पूरा सोल्व नहीं करना है, क्या करना है, सबसे पहले मैं पहली डिजिट में ऐड करके देखता हूं, फिर मैं आपकी लास्ट डिजिट में ऐड करके देखता हूं, क्योंकि पहली डिजिट सारी अलग अलग है, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका टी। टी होता है कितने पे बच्चों, टी होता है 20 पर, 20 में 7 जोड़ोगे कितने हो जाएगी 27, 26 पे आपका जेड होता है, 27 पे क्या आता है ए, ए वाला ऑप्शन देखिएगा कौन सा है, पहला ही राइट, पहला ही ऑप्शन ए से बना हुआ है, राइट आंसर यही हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन सोल्व तब करोगे जब ए कॉमन हो, यदि एक उमन सभी में होता फिर मैं लास्ट की डिजिट में 7 ऐड करके देखता, क्योंकि मुझे कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बिल्कुल राइट करने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, 192, 291, 316 को क्या लिखेंगे, क्या किया इसने, पहले पहली डिजिट को लास्ट में लिखा, फिर 9 बीच में झुका, तू जो थर्ड डिजिट थी उसे क्या किया, पहले नंबर पर लिख दिया। ऐसे क्या करोगे आप, जैसे ही आपका सामने लिखा हुआ जो पहली डिजिट थी थर्ड पर चली जाएगी, मिडिल वाली आपकी जो कि तू रहेगी, थर्ड वाली आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगी, क्या राइट आंसर आ जाएगा, 613 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, सरसों, फसल, गेहूं, चावल। अब हमें दिखाई दे रहा है सरसों, फसल, सरसों, गेहूं और चावल, ये फसलें हैं, जबकि फसल के अंतर्गत ही आती है आपकी, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फसल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए, इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, वही डिजिट के अकॉर्डिंग ऐड हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, लॉजिक देखते हैं क्या लगा हुआ है। ए, ए आता है आपका एक पर, एक में 6 बढ़ाए, एक था आपका, डायरेक्ट लिखते हैं पहले एक, जी होता है 6 पर, 13 होता है आपका एम पर, होता है एम होता है 13 पर, एस होता है 19 पे, देखते हैं कितने ऐड हो रहे हैं, एक से 6, एक से जी होता है 7 पर, सॉरी +6, फिर 7 और 6 +6, फिर +6 करता जा रहा है, फिर नेक्स्ट वाली लाइन ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, सी कितने पर होता है 3 पर, आई कितने पर होता है 9 पर, ओ कितने पर होता है 15 पर, जेड कितने पर होता है 26 पर, देखते हैं लॉजिक, 3 में 6 जोड़े कितने हुए +6 करके 9, 9 में 6 जोड़कर कितने हुए 15, 15 में 6 छोड़ कर कितने कितने होंगे बच्चों, 15 6 कितने होते हैं 21 होना चाहिए था, ये 26 है, इसका मतलब क्या होगा आपका, पहले थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लो, लॉजिक ये लग रहा है क्या, थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है देखिएगा, एच,
एच में छह जोड़ के एन, एन में छह जोड़ के टी, टी में छह जोड़कर एच, ये भी आपका सही है। इसका मतलब प्लस सिक्स वाला लॉजिक लग रहा है। जब दो में लग जाता है ना, तीसरे में चेक भी करने की आवश्यकता नहीं है यदि एक आपको पहले ही अलग मिल जाए। इसमें अलग क्या हो रहा है बच्चों, आपका अलग हो रहा है सी आई ओ जेड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर 15 से 26 हो रहे हैं, 11 जुड़ रहे हैं, राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स, 9 से 23, 23 में से 9 जाके कितने कितने बचते हैं बच्चों, 14, 14 में से 4 जाके कितने बचते हैं आपके 10, 16 में से 2 जाके कितने बचते हैं बच्चों आपके 14, 11 में से 25 में से 11 जाके कितने बचते हैं बच्चों 14, 14 14 अलग है बच्चों। इसमें 10 आपका अलग है, 10 मतलब 4 और 10 वाला आपका ऑप्शन विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखते हैं लॉजिक क्या लगा हुआ है। 73, 73 21, 53 ऑप्शन नंबर भी, 53 15, 56 30, 22 और 6, देखते हैं लॉजिक क्या लगा हुआ है। 73 में से 21 घटाकर कितने बचते हैं आपके 7 बचते हैं, 7 नहीं, 73 और 21 में लॉजिक क्या लगाया देखिएगा, इसका तो क्या गया इसने 7 ले लिया, ठीक है जी, इसका 7 ले लिया और इसका ले लिया इसने 3, 7 गुना 3 बराबर 21 होते हैं, फिर 5 गुना 3 15, 6 गुना 5 30, 2 दूनी 4 आता है, यहाँ पे 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन मैं आपको लगातार सिखाता आ रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं कहीं पर यदि आपको त्रिभुज ऐसा दिखाई दे जाता है तो इसमें 3 होते हैं, लेकिन इसमें वो लॉजिक लगता ही नहीं, देखते हैं। फर्स्ट एक ये हुआ आपका, एक ये हुआ 2, एक ये हुआ 3, एक ये हुआ 4। फिगर काउंटिंग की मुझे बोर्ड पर क्लास लेनी होगी बच्चों आपकी, जिसमें लगभग टॉप 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा, उससे बाहर आपका क्वेश्चन मुश्किल ही जाएगा। चार आपके त्रिभुज दिखाई दिए, अब पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि देखो आपको सिखाना है। चार के बाद आपका पांचवा त्रिभुज ये हुआ, छठा त्रिभुज आपका ये रहा, छः टोटल कितने हुए जी आपके अभी तक, कितने हुए टोटल, 6 हुए, 6 ही है इसमें, बस सातवां बनने का ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में कितने आपके आयत है, आयत पूछा है बच्चों, इसमें वर्ग नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। देखते हैं आयत, देखते हैं आयत, एक दो छोटे वाले काउंट करते हैं पहले, 3 4 5, ये 5 तो हमारे सिंगल वाले हैं, छोटे वाले हैं, अब पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि अच्छे से समझना जरूरी है। 5 के बाद आपका एक ये हुआ 6, एक के बाद ये हुआ आपका 7, एक ये हुआ आपका 8। बच्चों भी मेरा राइट हैंड बिल्कुल सही नहीं हुआ है, पेन काफी ऊपर से पकड़ के चला रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा राइटिंग अभी 1-2-3 दिन और अभी सही नहीं आने की, आपको एडजस्ट करना होगा। देखिएगा कितने हो चुके थे हमारे 5, ये 3 लंबे वाले हुए, 5 3 8, एक आपका ये डबल 9, एक ये आपका डबल 10, टोटल आयत कितने बच्चों उसमें 10। कुछ बच्चे अब कहेंगे सर जी एक ये बड़े वाला भी तो है, बच्चों ये आपका आयत नहीं, ये आपका वर्ग बनेगा, इस वजह से राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जी, देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। चलो इसके लिए मैं आपको लगातार जो 38 शिफ्ट में आपके एग्जाम सोल्व कराए हैं, जबरदस्त तरीके से आपका पासे वाला या डाइस वाला क्वेश्चन मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया है कि आपके विपरीत कैसे होते हैं, पड़ोसी विपरीत नहीं होते, लॉजिक सभी बताए हैं, एक छोड़कर एक आपका विपरीत होता है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप ये देखिएगा कौन सा किसके विपरीत है, यदि आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो आप बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहां पर डिजिट लिख देते हैं, डिजिट कैसे लिखोगे यहां पर, ये आपका ये है, इसका विपरीत क्या होगा आपका, इसके विपरीत हो जाएगा आपका एक छोड़कर, ये हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद आपका जो आपका मिडिल वाला है, मिडिल वाले के विपरीत क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक वाला हो जाएगा, क्लियर है जी आपका। इसके बाद आपका बचा क्या, ये वाला, इसके विपरीत हो जाएगा ये वाला। अब ध्यान रखना है आपको दो विपरीत सतह ना किसी भी घन में एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, इतनी बात समझ में आई। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम क्या हो रहा है, विपरीत कौन कौन से हो रहे हैं आपका, क्रॉस क्रॉस और आपका कलर्ड, क्रॉस और आपका कलर्ड दिखाई नहीं देने का बिल्कुल भी, ऑप्शन नंबर सी कट हो गया, ठीक है जी। दो आपके ब्लैंक, दो आपके ब्लैंक, ये वाले ब्लैंक, दोनों ब्लैंक एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, दो दिखाई दे रहे हैं, अभी आपका कट हो गया, ऑप्शन नंबर ए कट, ऑप्शन नंबर सी कट। अब दिखाई दे रहा है हमें और क्या क्या बचा आपका, अब दिखाई दे रहे हैं आपका दो ब्लैंक दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे सकती, इसका मतलब आपका तीनों आपका अलग अलग दिखाई देगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कि नीचे एक घन में तीन अवस्थाएं दर्शाई गई है, ए युग्म फलक के विपरीत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैं आपको लगातार बताया हूं, क्या होता है जब दो संख्या उभयनिष्ठ होती है ना बच्चों, तो उनको छोड़कर ना बचे हुए संख्या एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। अब हमें दिखाई दे रहा है इसमें आपका सी है,
इसमें भी आपका सी है, इसमें आपका बी है, इसमें आपका बी है, तो क्या पूछा, ए का वो बचा जो ए का विपरीत क्या हो जाएगा जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है आपका जेड। डायरेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। अधिक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन वाला जो आपके लिंक पर क्लिक करिएगा, सभी आपकी क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस कराई हुई इस टॉपिक की मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे से प्रश्न आकृति को दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। पूरा सोल्व कराऊंगा जी मैं इस क्वेश्चन को, आपको समझा दूंगा कॉन्सेप्ट बेहतरीन। देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास ये पेपर कटिंग है, कलर चेंज कर करके बताऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपको पता चल जाए। ये आपका इसे फोल्ड किया, आपके पास फोल्ड करने के बाद जिससे जो पिंक से बना हुआ ये वाली आकृति फिलहाल आपके पास वर्तमान में आई। इसके बाद क्या हुआ, पेन चेंज करते हैं, कटिंग क्या क्या कर रहा है ये आपका, पहली कटिंग तो आप ये की, फिर दूसरी कटिंग ये की, फिर तीसरी कटिंग ये की, ये आपका और ये आपका। जितनी बार आप फोल्ड करोगे, जब वापिस खोलोगे ना, जो आपने आकृति इस पर ड्रॉ की है वो जस्ट उसके विपरीत हो जाएगी, जहां पर आपने की जैसे इस कोने में है तो वो इस कोने में आ जाएगी। इतनी बात समझ में, जैसे ही कॉर्नर में है जैसे ही इसे ओपन करोगे क्या हो जाएगा, ये हाफ है, हाफ होने के बाद ये क्या होगा आपको, जैसे ही हाफ है ना, ये हाफ होने के बाद ये फुल दिखाई देगा, फुल तीन गोली से तीन वर्ष दिखाई देंगे। देख लो राइट आंसर कौन सा है, तीन वर्त दिखाई देंगे आपके, फुल ओपन करती तीन वर्त आपके कौन से में दिखाई दे रहे हैं, तीन वर्त और दो ये चकोर। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, है क्या सर जी, आपके सामने आंसर है। स्टार्टिंग में मैं दूसरा पॉइंट यही बताया है, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं ऑप्शन की राइट में हूं, सिर्फ आपसे निकालना आना चाहिए कि राइट आंसर कौन सा है इनमें से, ऑप्शन नंबर सी राइट। जो बच्चे मेरी क्लास लगातार करते आ रहे हो वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, जो न्यू स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं एक बार जाकर आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा 29 सेट की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। क्वेश्चन नंबर 13, अब दिखाई दे रहा है आपका ये वाला सिंबल, ये वाली आकृति कौन सी उसमें दिखाई दे रही है, जिसमें दिखाई दे रही है वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है, इसमें तो आपका ये आयत के बराबर में लाइन नहीं है, गलत है जी, इसमें आयत की जस्ट ये निकली हुई कोई इसमें भी नहीं है, भी आपका गलत, ये भी आपका गलत। अब हमें ये दिखाई दे रही है, देखो ये यहाँ पर ये वाली, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय नहीं वेस्ट करना, मैथ वाली प्रैक्टिस करना है, करनी है आपको मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर, देखिएगा मैथ है खेल खिलाड़ियों का, बहुत बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है बच्चों, में कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अपनी क्लास का, ठीक है। एक बार आप जाकर जब देख लोगे ना तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि क्लास का लेवल क्या है और किस हिसाब से आपको कराया गया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, दर्पण मतलब मिरर इमेज पूछा हुआ है। मैं कॉन्सेप्ट बता दूं जो बच्चे नए हैं, जो नई क्लास देख रहे हैं, मिरर इमेज की बात क्या करते हैं, जैसे मिरर ये है आपका, सपोज कीजिए पी है, पी मिरर में कैसा दिखाई देगा, पी ऐसा उल्टा हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका एफ, ये आपका सॉरी एफ है, बिल्कुल सही, एफ आपका उल्टा दिखाई देगा, हमेशा उल्टी हो जाती है इमेज। या पलट दीजिए बस, डायरेक्ट ये वाला एरो है, यहां से देखते हूं मैं, ये वाले एरो का निशान इधर है तो एरो का निशान इधर होगा, नंबर एक बात। अब इसके अकॉर्डिंग आपका कौन कौन से में, वही आपका राइट आंसर होगा जी, जिसमें भी एरो का निशान इस साइड है ना, लेफ्ट साइड, वही आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समय लग रहा है क्या, कभी भी नहीं लग सकता, बस समझने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखते हैं लो जी क्या लगा हुआ है जी, क्या क्या हुआ है, सात, सात की गुना पांच में की, सात में 35, तीन दो नीचे 35 में 6 जा गए 29, बराबर बराबर लेफ्ट की गुना करके राइट, लेफ्ट लेफ्ट की गुना राइट, राइट की गुना करके माइनस किया हुआ बीच वाली संख्या आ रही है, 6 चौक 24, 5 एकम 5, 24 में 5 जाके 19, 68 56, 68 56, 4 3 12, 56 में से 12 जाके 44 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन को तो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कराई हुई है, तरीका बताया हुआ है आपको क्या करना है, जिसमें कह रहे हैं ना वो डिजिट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आने के लिए बोल रहे हैं उसमें होनी चाहिए, जिसमें मना कर रहा है उसमें डिजिट नहीं होनी चाहिए, वही राइट आंसर होता है आपका। दी गई आकृति में कितने थैले, भूरे हैं परंतु बड़े नहीं है, थैले वाली जो आपकी, मैं कलर लगा के दिखा देता हूं समझाने के लिए, देखो नहीं तो मुझे तो राइट आंसर दिखाई दे रहा है, थैले भूरे आपका, भूरे वाले सर्किल में तो वो डिजिट होनी चाहिए, दूसरी बात भूरे वाले में, इसके बाद थैले वाले में भी आपकी वो डिजिट होनी चाहिए, कलर चेंज कर लेता हूं, थैले वाली आपकी डिजिट ये है, जबकि बड़े वाले सर्कल में वो होनी नहीं चाहिए, इसका मतलब ये जितनी है ये तो काउंट होने की नहीं जब मना कर दी, देखना दोनों में कॉमन क्या है जी,
सर दोनों में कॉमन है 37, यही तो राइट आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है और कौन सा बनाया नहीं जा सकता। ऑप्शन काटते हुए चलो, ऑप्शन काटने की कई गेम है, रीजनिंग हो रह गया जी। देखते हैं, एन एन है गया जी, इसमें एन भी है सर, ए है क्या, ए भी है, टी है क्या जी, टी भी है, यू है क्या, यू 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 भी है, आर है क्या जी, आर भी है, ई है क्या, ई ई सर जी, ई है क्या इसमें आपका, ई भी नहीं है। इसका मतलब प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ये तो बनाया नहीं जा सकता। देखते हैं इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी, पी ओ है, एस भी है, टी भी है, ई ई ई नहीं है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। स्टार देखते हैं, एस है जी, टी है, ए भी है क्या जी, है सर ए, आर है क्या, आर भी है, टी है क्या जी सर, यही यही आपका बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों मजा आ रहा है क्लास करने में या नहीं आ रहा है बताओ, सब कुछ माइंड में सेट हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, कंप्लीट क्लास देखते चलना। क्वेश्चन नंबर 18, पीला नीला पुरुष, पीला आपका अलग हो जाएगा, नीला आपका अलग हो जाएगा, पुरुष आपका अलग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि यदि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे देता, मैं आपको कथन बना देता हूं और डायग्राम बना के समझा देता हूं, ये बोल देता रंग रंग नीला पीला, नीला पीला, फिर ऐसा बन जाता है डायग्राम आपका। ये वाला डायग्राम कब बनता है, ऑप्शन नंबर डी, जैसे बोलता आपको भारत भारत उत्तर प्रदेश सहारनपुर, तब ये बनता कि भारत है ये, इसके अंदर उत्तर प्रदेश, इसके अंदर सहारनपुर, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन है, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोल्व करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसे निपटने की आवश्यकता है। सभी पतलून सफेद है, पतलून बना दीजिएगा क्या जी, क्या बनाओगे, पतलून पतलून, जब सभी की बात करते हैं सभी अंदर आता है, कुछ बाहर आता है, पतलून सभी पतलून क्या है जी, सफेद है, सफेद बाहर आ जाएगा, ये लो सफेद, ठीक है जी। इसके बाद क्या आ गए, सभी सफेद रंग है, ये लो रंग बन गया रंग। निष्कर्ष देखते हैं कौन कौन सा निकल रहा है आपका निष्कर्ष, कुछ सफेद पतलून है, जो कुछ सफेद है ना, ये बीच वाला ऐसा तो कुछ में आएगा जी, है बिल्कुल राइट आंसर, निष्कर्ष फर्स्ट सही है आपका, सभी रंग सफेद है, यार सभी रंग सफेद कहाँ जाएंगे, कुछ रंग सफेद होते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, जो निष्कर्ष दूसरा है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर निष्कर्ष नंबर ए ही आपका राइट होगा, केवल निष्कर्ष सही फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सभी गाड़ियां मेज है, गाड़ियां बनाओ बच्चों, बस प्रैक्टिस की बात है, सभी गाड़ियां बनाई, सभी गाड़ियां क्या है, मेज है, ये मेज बना दीजिए, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद क्या गए, और कोई गाड़ी कुर्सी नहीं, कुर्सी आपकी अलग हो जाएगी, ये हो चुकी कुर्सी अलग, ये अलग है बिल्कुल। तो निष्कर्ष कौन से निकलते हैं, निष्कर्ष देखते हैं कौन कौन से आपके निकल रहे हैं, कुछ गाड़ियां मेजे हैं, कुछ गाड़ियां तो मेज होगी, जो इसकी जो छपी हुई है निचले वाली तो होगी, पहला ऑप्शन निष्कर्ष ठीक है आपका, कुछ मेजे कुर्सियां, मेज और कुर्सी का तो कोई संबंध दूर दूर तक भी नहीं है, गलत हो जाएगा। सभी गाड़ियां कुर्सी है, सभी गाड़ियां कुर्सी थोड़ा हो जाएगी, कहीं कुछ भी नहीं होने की, ये भी गलत हो जाएगा, निष्कर्ष केवल एक ही सही होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपका, ब्लड रिलेशन की क्लास भी आपकी एक बार लेनी पड़ेगी। चलो मैं आपको बताया हुआ है, पीढ़ी वाइज चलते हैं, एक आपकी सबसे पीढ़ी है आपकी किसकी, बाबा दादा नाना नानी, ये वाली पीढ़ी किसकी होती है बच्चों, पापा मम्मी ताऊ चाचा ताई मौसी फूफा फूफी सबकी, ये वाली पीढ़ी किसकी होती है, तीसरी, मैं मेरा भाई मेरी बहन मेरी मेरे मम्मा का लड़का मम्मी की लड़की, बुआ का लड़का बुआ की लड़की, फूफा का लड़का फूफा की लड़की, मतलब भाई बहन वाली, एक चौथी पीढ़ी होती है, किसकी होती है बच्चों, ये होते हैं हमारे बच्चे, हम मेरा बच्चा मेरा लड़का मेरी लड़की, मेरे भाई का लड़का मेरी भाई की लड़की, मतलब जो हमारे भतीजे भतीजी भांजे भांजे लगते हैं, स्पष्ट इतनी बात समझ में आई। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कह क्या रहे, एल पी की पुत्री है, एल जो है पी की पुत्री है, एल बना दीजिए कहीं पर भी बना दीजिए, ठीक है जी, चलो मैं ब्लैंक पे ले लेता हूँ, एल में आपका ये बना दिया, एल जो है पुत्री, पुत्री को मैं गोल लेकर चलूंगा, एल जो है किसकी पुत्री है, पी की, मम्मी पापा वाली पीढ़ी ऊपर ली होती है, ठीक है जी। चलो पी एम का भाई है, जो पी है ना, ये पी जो है किसका भाई है, एम का। चलो यहां तक मैं बताना चाहता हूँ, जब एल पी की पुत्री है, ये इसके पापा हुए, ये इसका भाई है, भाई में एम जो है एल का क्या हो सके, बुआ भी हो सकती है और आपा चाचा भी हो सकता है, अभी पक्की बात नहीं है, है क्या, पी जो है एम का भाई है, एम जे की पत्नी है, एम जो है जो एम है पत्नी है किसकी जी, जे की, चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये क्या हुआ, बहन भाई हुए, ये उसका जीजा हुआ, ठीक है, या एल की क्या हुआ, एम बुआ हुई। आगे देखते हैं, तो एम एल से किस प्रकार संबंधित है,
जो एम है ना एल से, एल की क्या लगी? मैं तो क्वेश्चन के साथ साथ बता दिया आपको आंसर क्या लगी, बुआ लगी। यही तो प्रैक्टिस का खेल है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पुरुष बना दो जी, फोटो लगा दो, इमेज माइंड में सेट कीजिए, बस इमेज मतलब थोड़ा सा मन मन में देखना है। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह महिला है जी या कोई, ये बना दो महिला। इसने इसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा? वह मेरी बहन की, वो मैं वह मेरी बहन की, इसकी कोई बहन है, इसकी कोई बहन है, बहन की माता, बहन की माता तो उसकी भी माता, के एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र मतलब इनका कोई भाई हुआ, ठीक है जी, एक भाई हुआ, एकमात्र पुत्र का पुत्र है, ये इसका पुत्र हुआ भाई, इसकी बहन या थी, इसकी मम्मी या तो उसकी मम्मी लगी, इसका मम्मी का बेटा क्या लगा, इसका भाई लगा, भाई का लड़का ही तो है ये, क्या है ये, भाई का लड़का ही तो है ये, ठीक है, क्या है जी, भाई का लड़का, देखते हैं। तो भाई हुआ उस पुरुष से किस प्रकार, तो महिला का भाई, तो महिला का भाई, महिला का भाई हो रहा उस पुरुष से, इस महिला का तो भतीजा लगता, लेकिन भतीजे का पापा से क्या संबंध होगा जी, वो उसके पिताजी होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा मेरी बच्चों पढ़ाने की स्पीड तेज है, ऐसी मुझे प्रैक्टिस हुई है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा स्लो पढ़ाने की। यदि आपको भी तेज लग रही है स्पीड तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करना, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा स्पीड डाउन कर दूंगा अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति वस्तु, एक व्यक्ति 10 वस्तुएं प्रति वस्तु 5 की दर से तथा 30 वस्तुएं प्रति वस्तु ₹10 की दर से खरीदता है, प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, 10 × 5 = 50, 50 तो 1 खरीदी, 10 × 30 सॉरी 30 × 3 = 300, 300 1 खरीदी, टोटल कितने रुपए गए हमारे, 350। वस्तु कितनी आई आप पे, वस्तु आई 30 वस्तु 1 हुई आपकी, और 10 वस्तु 1 हुई, 40 आई 350 में, 4 से 4 35/4 कितना होता है बच्चों आपका, 4 4 8 32, बचे 3, 4 7 28, बचे 4 7 28, बचे 2 4 5 20, पॉइंट यहाँ लगेगा 8.75, पॉइंट गलत लगा देता, 8.75 राइट आंसर आ जाएगा, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ना होने का तो मतलब ही नहीं है, मैं ऑप्शन का हमारे कराए हुए। क्वेश्चन नंबर 24। पी एक काम को 7 दिन में करता है, पी 7 में करता है चलो, तथा क्यों 21 दिन में करता है, क्यों 21 में करते हैं, ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चनों को, दोनों एक साथ एलसीएम लोग बड़ी संख्या लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट, पहले देखेंगे 21 एकम 21, क्या दोनों से कटती है, जी सर कटती है, एलसीएम वही आ जाएगा, 7 या 21, 21 एकम 21, एक ही पी की एफिशिएंसी 3 क्योंकि आपकी 1, तो क्या कह रहे हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 21/4, 4 × 5 = 20, बचा कितना 1, पॉइंट लगाया, 4 × 2 = 8, बचे 2 4 × 5 = 20, 5.25 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी 5.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। 4 आकृति दी गई जिनमें 3 किसी न किसी गुण के आधार पर समान है, एक आपके अलग है, अलग को देखते हैं, देखते हैं डायरेक्ट क्या कह रहे हैं, दिए गए 4 विकल्पों में ना, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर आपका सी और विकल्प नंबर आपका डी के ना शीर्ष 3 पर एक रेखा है, जबकि विकल्प नंबर बी के शीर्ष 3 पर ना एक रेखा नहीं है, आपका यही आपका क्या हो जाएगा, गलत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26। 4 आकृति दी गई है जिनमें 3 किसी न किसी गुण के साथ के आधार पर समान है तथा एक आपकी अलग है, उस अलग आकृति को चुनिए, देखते हैं क्या कह रहे हैं, दिए गए 4 विकल्पों में क्या हो रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका, ये जो जो डायग्राम है ना, होरा गैंड में विपरीत चित्र को छायांकित किया गया है, जबकि विकल्प नंबर डी में चित्र के उल्टे चित्र के स्थान पर समान चित्रण पर छायांकित या गाढ़ा कलर किया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बात समझ में आई, ये देखो ये ऊपर था ये नीचे आ गया, ये ऊपर था ये नीचे आ गया, ये आपका सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 4 आकृति समान है, एक आपकी अलग है, दिए गए 4 विकल्पों में वही बात आ रही है, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है, इन तीनों में सिरों की आकृति के दोनों एक, दोनों पर एक वर्ग और त्रिभुज है, जबकि हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ आकृति नंबर ए है ना जो आपकी, दोनों सिरों पर क्या बने हुए बच्चों, वर्ग बने हैं, राइट आंसर अलग हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। लुप्त क्या निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए भिन्न विकल्पों में से लुप्त पद अंग, लुप्त अंग ज्ञात कीजिए, अंक 21 में 3 जोड़ते हैं बच्चे कितने होते हैं 24, 24 में फिर 2 ऐड किए 26, 26 में 1 ऐड किया 27, 3 2 1 जोड़ा बच्चों, फिर देखते हैं फिर 3 जोड़े इसमें कितने हुए आपके 30,
फिर आपके दो जोड़े कितने में 32, फिर आपका एक जोड़ा कितना हुआ 32 1 33, ये आपका 33 होगा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ हुआ है, 33 देखते हैं। फिर 33 में कितने जोड़ दोगे बच्चों, 3 जोड़ दोगे आप, 33 3 कितने हो जाएंगे 36, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 36 है भी नहीं ऑप्शन में, 36 राइट आंसर होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर 31 है तो फिर आपका यहाँ पर 31 गलत है, या फिर 36 आपका राइट आंसर होगा, इतने आप समझदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29, 3 7 16 32 और आपका 57, देखते हैं लॉजिक क्या लगाया है। 3 में 4 जोड़े 7, 7 में फिर 9 जोड़े 16, 16 में फिर आपके 16 जोड़े 32, 32 में फिर 25 जोड़े 57, देखते हैं क्या है। 4 9 16 25 और 25 में फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 57 और 36 कितने होते हैं बच्चों, 7 6 13 का 3 का 80 लगाए, 3 5 3 8 1 9 93, 93 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। पहले एक लाइन थी, फिर दो हुई, फिर तीन हुई, फिर चार हुई, पंचभुज हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, पंचभुज, पंचभुज आपका ये रहा ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। 31 आपका क्या कह रहे हैं, प्रश्न आकृतियों में ना वर्त के अंदर का वर्ग है ना आकृति 90 डिग्री कोण बनाते हुए ना दक्षिणावर्त दिशा में आगे बढ़ रही है, और त्रिभुज में क्या लॉजिक लगा हुआ है, वार्मर दिशा की ओर बढ़ता है, अतः इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय नहीं वेस्ट करना बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 32, श्रृंखला का अगली आकृति विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें इसमें हो जाएगा आपका, आपका यहाँ पर सिंगल डबल फिर सिंगल फिर डबल, पहले इधर था फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक है, अब किस साइड आ जाएगा बच्चों, अब इस साइड आ जाएगा सिंगल, इस साइड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम को आपका ये लिखा हुआ है, नॉइस को ये लिखा है, तो रोज को क्या लिखेंगे, लॉजिक देखते हैं क्या लगा हुआ है। डायरेक्ट डिजिट लिखी हुई है एफ, एफ का 6 लिखा है इसने, आर का 5 लिखा है कोड, आर का 5, ओ का 3, डायरेक्ट देखते हैं आर का कोड क्या है बच्चों, 5, ओ का कितना है 3, एस का कितना है 8, ई का कितना 2, 53 82 आपका राइट आंसर। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर बहुत ज्यादा स्पीड, बच्चों स्पीड नहीं, 38 सेट तो वो करा चुका हूं मैं आपको प्रीवियस ईयर, अब ये लगातार करा रहा हूं, 10 सेट की प्रैक्टिस कर लो, स्पीड आपकी भी इतनी ना बनी ना, कमेंट बॉक्स में आगे कह देना कि सर स्पीड इतनी नहीं बननी आपकी जितनी, बस लेकिन दिमाग लगाकर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एक विशिष्ट कोड भाषा में फिल्म को 40, शॉट को आपका 62, तो इस कोड भाषा में टेक को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में लॉजिक क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 में लॉजिक देखते हैं क्या लगा है। एफ कितने होते हैं 6 पर, एफ कितने होते हैं बच्चों आपका, एफ होता है आपका 6 पर, आई कितने होते हैं 9 पर, एल कितने होते हैं 12 पर, एम कितने होते हैं आपका 13 पर, 13 12 25, 25 5 30, 30 4 34, 34 6 40, डायरेक्ट जोड़कर लिखा है, देखते हैं इसमें अगले में भी, एस कितने होता है आपका 19, डायरेक्ट जोड़ूंगा मैं तुम्हें, एस 19 पर होता है, एच होता है 8 पर, 19 8 27, 27 ओ होता है 15 पर, 27 10 37, 37 और 5 कितने होते हैं बच्चों 42, ओ टी होता है आपका 20 पर, 42 20 62, अब डायरेक्ट इसको भी लिख देंगे हम टेक को, टी कितने पर होता है आपका 20, टी 20 1 21, 21 के होता है 11, 21 22, 22 और 10 कितने होते हैं 32, 32 5 कितने हो जाएंगे 37 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखते हैं लोजी क्या लगा हुआ है, टी टी होता है 20 पर, एक्स होता है 24 पर, चार जुड़े हुए, आर आर होता है आपका 18 पर, क्यू होता है आपका 17 पर माइनस 1, फिर आपका यू होता है 21 पर, वाई होता है आपका, वाई होता है 25 पर, प्लस 4, प्लस 4 माइनस 1, प्लस 4 माइनस 1 लॉजिक लगा हुआ है, ए में क्या करोगे आप प्लस 4 करोगे, सिंगल ऑप्शन से देखने की कोशिश करूंगा, जब ए में प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा 5, 5 में क्या होता है ई, पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी है, क्लास कैसी लगी, यदि क्लास आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।